आदिवासी बांधवांना विविध योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी राज्य सरकारने निधीही वितरित केला आहे. तरीही प्रत्यक्षात अशी घरकुले आकारण्यास येत नसल्याने सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मेळघाटातील पाचडोगरी येथे 5 तारखेला गाव तिथे आंदोलन करून घरकुलाचे त्वरित वाटप करण्यात यावे असे आवाहन करण्यात आले. आदिवासी बांधवांना स्वतःच्या हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून इंदिरा आवास योजनेसह शबरी आदिवासी घरकुल योजना, रमाई आवास यासारख्या योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर निधी देते, मात्र अजूनही या योजना प्रत्यक्षात अंमलात आल्याचे आणि आदिवासी बांधव पक्क्या घरामध्ये राहाव्यास गेल्याचे पाहाव्यास मिळत नाही. लाभार्थी निश्चित असताना आणि निधी मंजूर असतानाही कामे का होत नाही याबाबत मानवी हक्क सुरक्षा दल तथा भारतीय दलित आदिवासी पॅथर सेना पाचडोगरी यांनी दिनांक 5 नोव्हेंबर 2019 रोजी पाचडोगरी येथे बुटीदा, कोरडा, मारिता, राहू इतर ही गावातील बेघर आदिवासींना प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्के घर बांधून देण्यात यावे या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी पाचडोगरी येथे गाव तिथे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनामध्ये एकही संबंधित अधिकारी आले नव्हते, निवेदन देऊनही प्रतिनिधीसुद्धा आले नाही. पाचडोगरी गावात यामध्ये मुख्य संयोजिका सुशीला मेश्राम यांच्या नेतृत्वात व मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष डॉक्टर रेखा रणबापके यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. मौजे पाचडोगरी, बुडीदा, कोरडा, मारिता, राहू या गावाच्या ग्रामसेवकमार्फत संगणकीय नोंदणीबाबत कारवाई करून परिशिष्ट अबकनुसार आदिवासीच्या घराबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती संग्रही ठेवून अहवाल पंचायत समितीकडे सादर करावे. आज पाचडोगरी येथे आजूबाजू गावातील महिला व पुरुष बहुसंख्येने उपस्थित होते. साजिद सौदागर, GTPL न्यूज, अमरावती. मानवी हक्क सुरक्षा दल झोपडपट्टी बचाव आंदोलन कृती समिति की तरफ से गाँव तिथि आंदोलन करने का जो संबंध महाराष्ट्र में जो हम लोगों का प्रयास चल रहा है, वैसे अमरावती जिले के चिखलदरा तालुके में मेलघाट परिसर में अभी मौजे पाचडोंगरी तालुका चिखलदरा ये गाँव में हर गाँव आंदोलन का पहला टप्पा हमने यहाँ रखा है. उसकी जानकारी गट विकास अधिकारी पंचायत समिति चिखलदरा, तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय चिखलदरा, यहाँ के पुलिस चौकी और चिखलदरा का पुलिस स्टेशन, ग्राम सेवक साहब, विद्यमान हमारे सरपंच जी साहब, सब लोगों को इसका जानकारी देके आज का डेट में जो आंदोलन है वो आंदोलन यहाँ पर यशस्वी हुआ. आंदोलन करने का प्रमुख हेतु हमारा ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे नरेंद्र मोदी सरकार का यह संकल्पना है, लेकिन पाचडोंगरी का बात नहीं है तो पूरे महाराष्ट्र में हर ग्राम पंचायत में 10 लोगों को घर मिलता है, बाकी के लोगों को घर नहीं मिलता है. उसमें निधि बढ़ना चाहिए सब लोगों को. जब सरकार एक तरफ से बोल रही सब लोगों को घर मिलेगा 2022 तक, अभी 2019 है, तो सब लोगों को थोड़ा सा उसका टारगेट बढ़ाना चाहिए. हर स्थानिक स्वराज्य संस्था के अंदर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को घर मिलना चाहिए. उन लोगों का घर के लिए सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा निधि देना चाहिए, ग्राम पंचायत में निधि देना चाहिए. इस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारा ये आंदोलन यशस्वी हो गया है.